गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे अबाउट डिस्कस क्लास थर्ड ईवीएस चैप्टर वन माय फैमिली एंड मी, मेरा परिवार और मैं। जैसे बात कर रहे थे कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ क्या होती हैं, ज्वाइंट फैमिलीज़ क्या होती हैं, जो एकल परिवार होते हैं, और संयुक्त परिवार के बारे में मैंने अध्ययन करवाया है, एंड सिंगल पेरेंट्स फैमिली जो होती हैं क्या होती हैं, एंड पीपल इन फैमिलीज़ क्या होती हैं, फैमिली ट्रीज़ क्या होती हैं, व्हाट डज द फैमिली टीच अस, कि परिवार हमें क्या क्या सिखाती हैं, इनके बारे से भी हमने बात किया, अध्ययन किया। नाउ स्टार्ट। जब भी आप वीडियोज़ देखेंगी, बुक्स को ओपन कीजिएगा, अच्छे से ध्यानपूर्वक स्टडी कीजिए। जहाँ आपको दिक्कतें हो रही है मेरे को बताइए, मैं उनको पुनः आपको बताने की कोशिश करूँगा। हुम डू आई लुक लाइक, मैं किसकी तरह दिखता हूँ। हुम डू आई लुक लाइक, मैं किसकी तरह दिखता हूँ। यहाँ पर एक बच्ची अपने मम्मी से कह रही है, मैं किसकी तरह दिखता हूँ। ठीक है, ओके। मेंबर्स ऑफ द सम फैमिलीज members of the same family resembles of look like each other in money way के मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जो members हैं, सदस्य हैं, परिवार के सदस्य कई तरह से एक दूसरे से मिलते जुलते या एक जैसे दिखते हैं। होता है कि परिवार का जो सदस्य होता है कई तरह से एक दूसरे से मिलते जुलते हैं या एक जैसे दिखते हैं। सम टाइम द मन हैव द सेम हैबिट्स टू। साइना लुक्स हेयर लाइक हेयर मदर्स, यहाँ पर बात की जा रही है कि कभी कभी उनकी एक ऐसी आदतें भी हो सकती है। देखिएगा, कभी कभी क्या होती है, उनकी एक ऐसी आदतें होती है। कैसे आदत होती है, मनी हैव तो सेम हैबिट्स आदत होती है। साइना लुक्स लाइक हर मदर्स, बोथ ऑफ देम हैव द स्ट्रेंथ हेयर एंड ब्लैक आइज। कैसे होती हैं, दोनों के सीधे बाल और काली आंखें हैं। कैसे, साइना के परिवार के ज़्यादातर सदस्य लंबे हैं। साइना के जो परिवार के जो सदस्य हैं, है ना, मोस्ट मेंबर्स ऑफ साइना फैमिलीज टैल एंड हैव ब्लैक आइज। वन ऑफ हेयर आंट एंड हिवन एज द आइडेंटिकल ट्विंस जो बोला गया है कि सानिया के परिवार के ज़्यादा सदस्य जो होते हैं लंबे हैं, उनकी आंखें काली हैं। उसकी एक माँ है। क्या बोला जा रहा है, उनकी एक माँ है। मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती हूँ। यहाँ पर एक ट्विंकल किन्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पर बच्ची कह रही है, देखिएगा, मम्मी आई लुक जस्ट लाइक यू बट यू आर द मच लैडर देन आई एम, कि मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती हूँ माँ, मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल दिखती हूँ, लेकिन तुम मुझसे बहुत लंबी हो। बट यू आर द मच लेटर देन आई एम, ओके। देखिएगा, ये बच्ची के द्वारा कह रही है अपनी मम्मी को, देखिएगा फैक्ट आंस के बारे में बताया गया है। द फीचर्स विच आर द पास्ट ऑफ फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर आर कॉल्ड हेरिडिटी फीचर्स के बारे में बताया गया है फैक्ट आंट में, कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित की जाती है, जो फीचर्स होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी क्या की जाती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित की जाती है, हेरिडिटी फीचर्स कहलाती है। क्या है, क्लेरिया ऑफ द हेरिडिटी फीचर्स कहलाती हैं। ओके, यहाँ पर क्या बताया है, हेरिडिटी फीचर्स कहलाती हैं। सेकंड पॉइंट बताया गया है, ट्विंस आर चिल्ड्रन बोर्न टू द सम मदर एंड
almost the same time in the many cases they are the identical look the sums. Twins are the children born to the same mother at the almost the same time in many cases they are the identical look the sums. कई मामलों में वे एक जैसे होते हैं. कई मामलों में ट्विंस आर द चिल्ड्रंस एक जैसे होते हैं, एक जैसे दिखते हैं. मजा समय आप किस तरह दिखते हैं, है ना, उस व्यक्ति के नीचे कैसे से आर द आइडेंटिकल लुक लाइट सम. जो माता पिता दादी दादा पैतृक मातृक जो आंखें होती हैं रंगनाक बाल एक जैसे सीधे होते हैं बताया गया है. लुक लाइट सिम्स देख सकते हैं. मनी कोशिश के बारे में बताया गया है. फन टाइम्स में बताया गया है कि जो फन टाइम्स दिए हुए हैं, फन टाइम्स अच्छी चीज़ दिए हुए हैं. जैसे फन टाइम्स के बारे में बताया गया है. होम डू यू लुक लाइक्स, है ना, आप किसकी तरह दिखते हैं. टिक द करेक्ट बिलो ऑफ द पर्सन हु ऑफ द फीचर्स ऑफ द रिमेंबरल्स रिसेंबल्स कि जैसे फीचर्स में आप या भविष्य में जो होती है पर्सन किसके तरह फीचर्स में दिखते हैं. जैसे फीचर्स के बारे में बताया गया है. फीचर्स यहाँ पर दिए हुए हैं. फीचर्स दिए हुए हैं जैसे मदर फादर ग्रैंड्स फादर ग्रैंड्स मदर मैरल एंड पैटर्नल्स ऐसे होते हैं. जैसे आपकी आइस जो कलर्स होती हैं या फिर आपकी मम्मी की तरह है तो मम्मी की तरह लिखेंगे, पापा की तरह है तो पापा की तरह लिखेंगे. जो ग्रैंडफादर हैं मम्मी की रिलेशन है उसको मैटरनल फैमिली कहते हैं और पापा के जो रिलेशन है उसको पैतृक रिलेशन कहते हैं. ग्रैंड मदर्स ये मम्मी के रिलेशन है, ये पापा के रिलेशंस हैं. ओके, ये दोनों पति पत्नी हैं समझिए. इनके मम्मी पापा हो गए, इनके मम्मी पापा हो गए, इनके मम्मी पापा के जैसे आपका आइज दिख रहा है किसके आइज जैसे लग रहा है, नोज किसके जैसे दिख रहा है इनमें से आप लिखेंगे, हेयर किसके जैसे दिख रहा है इसमें आप अपना एंट्री करेंगे. एंड हेयर जो कटरली है या फिर आपका कुरलिस जैसे घुंघरालू बाल हैं या फिर आपका स्ट्रेंथ सीधे बाल हैं इनके जैसा है आप लिख सकते हैं यहाँ पर. ओके, तो इस प्रकार मैंने बताया कि जो फीचर्स हैं मम्मी पापा के जो फीचर्स हैं कि आप किसके जैसे दिखते हैं ये आपके हैं. ओके, रीड एंड रिफ्लेक्ट की बात करते हैं कि रीड एंड रिफ्लेक्ट होती क्या है. आप रीड एंड रिफ्लेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं. देखिएगा रीड एंड रिफ्लेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है. रीड एंड जो रिफ्लेक्ट्स होते हैं, रीड एंड जो रिफ्लेक्ट्स होते हैं यहाँ पर दी हुई है. जैसे पढ़ना और उसे याद रखना. कैसे याद रखेंगे, प्रतिबिंब है जो कि ए फैमिली इज द ग्रुप्स ऑफ द पीपल हु लिव इन द सेम हाउसेस एंड द रिलेटेड ऑफ द ईच अदर. फर्स्ट जो रीड एंड रिफ्लेक्ट में दिया गया है कि जो फैमिली उन लोगों का समूह है जो एक ही घर में रहते हैं हाउसेस रिलेटेड ईच अदर. सेकेंड में बताया गया है कि फैमिलीज कैन बी द न्यूक्लियर्स बिग और स्मॉल और ज्वाइंट्स. बड़ा छोटा भी होता है परिवार या फिर संयुक्त बस हो सकता है. ओके, सेकेंड में बताया, थर्ड में बताया गया है कि ये फैमिली ट्री शो ऑफ द डिफरेंस एंड रिलेशंस ऑफ ए फैमिलीज एंड हाउ दे आर द रिलेटेड टू द ईच अदर्स. एक परिवार का एक पेड़ एक परिवार की विभिन्न पीढ़ियों को दर्शाता है, विभिन्न पीढ़ियों को दर्शाता है और वे एक दूसरे से कैसे संबंधित रहते हैं, एक दूसरे से ईच अदर यानी कैसे रिलेटेड रहते हैं, संबंधित रहते हैं बताया गया है. डिफरेंट जनरेशन होते हैं, अलग अलग पीढ़ियों में होती हैं. न्यू मेम्बर्स आर द एडेट ऑफ द फैमिली फ्रॉम द टाइम टू टाइम्स. नए सदस्य जुड़ जाते हैं, है ना, समय समय पर क्या होती है नए सदस्य जुड़े जाते हैं. जैसे किसी के यहाँ जन्म होता है, बच्चा जन्म होता है, किसी की न्यू मैरिड होती है तो एक नया सदस्य आपके घर आते हैं या फिर जन्म होता है तो एक नया सदस्य आते हैं. तो इस प्रकार क्या होती है न्यू मेंबर्स आपके एडेट्स होते हैं फैमिली में. तो ये याद रखने योग्य है. कुछ एक्सरसाइज टाइम दिए हुए हैं, देखिएगा एक्सरसाइज टाइम्स के बारे में देखते हैं. एक्सरसाइज टाइम जो दिए हुए हैं, फर्स्ट दिए हुए हैं एक्सरसाइज टाइम जो दिए हुए हैं कि व्हाट डू यू कॉल द फॉलोइंग्स रिलेटिव्स. आपको क्या करना है, इनमें से कुछ ऐसे दिए हुए हैं कि आपको उनको फॉलो करना है. ओके, जो रिश्तेदार हैं आपके, जैसे फादर्स मदर
फादर फादर्स के मदर क्या कहते हैं आप, फादर्स के जो मदर रहते हैं या फिर दादाजी बोलते हैं या फिर ग्रैंड मदर्स बोलते हैं, दादाजी लिख सकते हैं या ग्रैंड मदर्स लिख सकते हैं, मदर्स ब्रदर क्या बोलेंगे, मामा जी लिख सकते हैं, मदर्स सिस्टर्स मौसी जी बोल सकते हैं, फादर्स यंगर ब्रदर फादर के यंगर ब्रदर हैं चाचा जी या फिर अंकल बोल सकते हैं, फादर्स सिस्टर्स बुआ जी बोल सकते हैं, एंड फादर्स एल्डर ब्रदर फादर से जो एल्डर ब्रदर हैं उसको बड़े पापा बोल सकते हैं। ओके तो इस प्रकार मैंने आपको 6 जो फ्लोइंग रिलेटिव्स के बारे में बताया कि फादर्स के मदर को क्या बोलते हैं, मदर्स के फादर को क्या बोलते हैं, एंड जो फादर्स यंगर ब्रदर हैं उनके रिलेटिव्स को क्या बोलते हैं। इस प्रकार आप भी स्टडी कीजिएगा क्योंकि स्टडी करने से बहुत नॉलेज जो क्षमता रहती है वो होगा। बी नंबर यहाँ पर दी हुई है, टिक द करेक्ट आंसर देयर मी दे मी देयर मी बी मोर देन वन करेक्ट आंसर। वन करेक्ट आंसर के बारे में बताया गया है, जैसे द फर्स्ट जनरेशन ऑफ फैमिली इंक्लूड्स द फर्स्ट जनरेशंस ऑफ ए फैमिली इंक्लूडेड, जैसे आपके कुछ फर्स्ट जनरेशंस होते हैं, पहले जनरेशंस होते हैं, मैंने जब आपको बुक्स में पढ़ाया था फर्स्ट जनरेशंस कौन से हैं, सेकंड जनरेशंस कौन से हैं एंड थर्ड जनरेशंस कौन से होते हैं, उनमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं फर्स्ट जनरेशंस में, आपके चिल्ड्रंस होते हैं क्या, नहीं, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं क्या, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स मम्मी पापा और दादा दादी रहते हैं क्या, नहीं, कौन होते हैं फर्स्ट जनरेशन में, कौन कौन से होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स ओनली, ग्रैंड पेरेंट्स ओनली फर्स्ट जनरेशन में होते हैं, तो आप ग्रैंड पेरेंट्स को आप यहाँ पर टिक लगा सकते हैं। ओके सेकेंड के बारे में देखते हैं कि फैमिलीज टीच अस टू, जो आपके फैमिलीज होते हैं टीच अस टू, आपको एक शिक्षक की तरह क्या करते हैं, टीच करते हैं। ओके जैसे फाइट विथ अदर फैमिलीज मेम्बर्स, झगड़ने के लिए अदर उन फैमिली मदर्स से क्या झगड़े के लिए होती है कि नहीं, वी वॉलेट्स रेस्पेक्ट अदर फैमिलीज मेम्बर, रेस्पेक्ट अदर फैमिलीज मेम्बर भी नहीं करता है, वी वॉलेट्स करते हैं, वी वॉलेट्स करते हैं। ओके तो इस प्रकार आप समझिएगा। थर्ड में बारे में बताया गया है, जो थर्ड है फेस्टिवल्स एंड स्पेशल ऑक्शंस गिवन ए चेंज टू खालिस्तान, जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं कि जो फेस्टिवल्स होते हैं या फिर कुछ स्पेशल ऑक्शंस होते हैं, त्यौहार होते हैं, तो गिव टू चेंज टू, जैसे मीट रिलेटिव हू डू नॉट लिव विद अस, डेकोरेटेड हाउसेस टुगेदर एंड ईट हाउ स्पेशल डिशेज एंड स्टडी टुगेदर फॉर ऑफ एग्ज़ाम्स, क्या होंगे कि अगर आपका कोई फेस्टिवल्स होते हैं या फिर कुछ स्पेशल ऑक्शंस होते हैं तो चेंज होता है, क्या चेंज होते हैं कि वहाँ पर मीट होती है, किसकी मीट होती है, एक न्यू मीट होती है, रिलेटिव टू नॉट लिव विद अस। ओके इस प्रकार आप टिक लगाइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे बात की गई है टिक द करेक्ट आंसर, टिक द करेक्ट आंसर्स की बात की गई है, अच्छे आंसर्स को आपको क्या करेंगे, टिक लगाना है आपको, टिक द करेक्ट आंसर्स हेडिंग्स है। फर्स्ट नंबर में क्या है, ए जॉइंट्स न्यूक्लियर्स न्यूक्लियर्स फैमिली हैज़ ओनली पेरेंट्स एंड वन और टू चिल्ड्रंस, संयुक्त तो परिवार में ज़्यादा रहते हैं लेकिन न्यूक्लियर्स जो फैमिलीज होती हैं वह वन एंड टू चिल्ड्रंस होते हैं। ओके तो न्यूक्लियर्स को आप टू टिक लगाइएगा। सेकेंड, चिल्ड्रंस ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स फ्रॉम द थर्ड जनरेशन इन द फैमिली ट्रीज, जो चिल्ड्रंस और बच्चे बच्चे थर्ड जनरेशन में रहते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, तो कौन रहते हैं, चिल्ड्रंस रहते हैं, बच्चे लोग थर्ड जनरेशन में रहते हैं। ओके थ्री नंबर में बताया गया है, ए फैमिली ट्री शो अस टू रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली मेम्बर्स नेबर्स, जो फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, जो फैमिली ट्रीज होते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन के बीच, एक दूसरे के बीच कनेक्ट रहते हैं, कैसे कनेक्ट रहते हैं, फैमिली मेम्बर्स के बीच में कनेक्ट रहते हैं। ओके फोर्थ नंबर में, द फैमिली टीचर्स अस बैक गुड हैबिट्स, बैड गुड हैबिट जो फैमिली के टीचर्स होते हैं गुड हैबिट्स दे देंगे, गुड हैबिट्स को टिक लगाएगा। फिफ्थ नंबर में बताया गया है कि
आइडेंटिकल स्वीटिंस रिसेम्बल्स या डू नॉट रिसेम्बल्स इस अदर्स। आइडेंटी ट्विंस क्यों बोलते हैं उसको देखिएगा पहले कि कोई पहचान के तो नहीं है। तो आप रिसेम्बल्स को ठीक लगेगा। ओके, तो इस प्रकार आपका सी नंबर कंप्लीट होती है। डी नंबर में कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं कि क्वेश्चन आंसर को मैं आपको नोट्स के रूप में फॉरवर्ड करूँगा, बाकी और जो है सभी को फॉरवर्ड करूँ। ये देखिएगा क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है 1, 2, 3। इस प्रकार एक क्वेश्चन आंसर को आप तैयार रखिएगा। ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, कुछ ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं। ट्रू फॉल्स क्या है, राइट ए ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स यहाँ पर दिए हुए हैं कि आपको ट्रू फॉल्स के हिसाब से आपको भरना है। ठीक है, ट्रू फॉल्स, राइट ट्रू फॉल्स। ए फैमिली सिद्वल पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस लाइफ टुगेदर इन कॉल्ड ज्वाइंट फैमिली। जो फैमिली होते हैं ओनली वन पेरेंट्स होते हैं फैमिली में और एक चिल्ड्रंस होते हैं। ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस जो फैमिली होते हैं उसमें माता पिता और बच्चे ही होते हैं क्या, टुगेदर विद ज्वाइंट्स फैमिली। ज्वाइंट्स फैमिली नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये ज्वाइंट्स फैमिली तो नहीं है तो ये फॉल्स होगा। ओके, ठीक है बेटा। सेकेंड में बताया गया है कि आवर फैमिली इज आवर फर्स्ट स्कूल्स। यस, मेरा परिवार है ना ही मेरा पहला स्कूल है, ये गलत है। ठीक, फर्स्ट नंबर क्या है, गलत है। सेकेंड नंबर सही हैगा। फोर्थ नंबर वी शुड अब सेलिब्रेट इन फेस्टिवल ऑफ द सम इम्पोर्टेंस टू टुगेदर, ये भी सही है। ए फैमिली ट्रीज स्टार्टेड विद द थर्ड जनरेशन, जो फैमिली ट्रीज है नहीं होता है फर्स्ट जनरेशन से नहीं होता है, थर्ड जनरेशन से नहीं होता, क्योंकि ये भी गलत है। वेन शुड टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द अदर फैमिली मेंबर्स, वी शुड टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द अदर फैमिली मेंबर्स, जो अदर परिवार होते हैं मेंबर्स होते हैं। वी शुड टेक केयर द नीड्स, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं है ना, केयर्स करने की आवश्यकताएं होती हैं, क्या होती है, ये सही बात है। शुड केयर, वो लोग अपने फैमिली मेंबर को क्या करते हैं, केयर करते हैं, तो ये राइट होगा, सही होगा। ठीक, कुछ एक्टिविटी टाइम्स दिए हैं, एक्टिविटी टाइम्स को आप लोग स्टडी कीजिएगा। केयरिंग ऑफ द अदर्स डे, अदर्स कैरिंग फॉर अदर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे कि कैरिंग ऑफ द अदर्स क्या होती हैं। एंड कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ के बारे में आप खुद वर्क कीजिएगा स्कूल्स में, जैसे प्रेयर में खड़े रहते हैं तो प्रेयर्स के माध्यम से आप स्कूल्स के बारे में अदर एक्टिविटीज़ दे सकते हैं। तो इस प्रकार अच्छे से स्टडी कीजिएगा। नेक्स्ट डे हम कैरिंग फॉर अदर्स के बारे में स्टडी करेंगे कि सेकेंड चैप्टर जो होती हैं वो कैसे हैं और क्या हैं। ओके बेटा, अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाय बेटा।